हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑप्टोमेट्री विद तारिक पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस की डिस्पेंसिंग। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस को हमारे कस्टमर को दे रहे हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कैसे हम एक फ्रेम को सिलेक्ट करें, उसके बाद हम देखेंगे कौन से फ्रेम ज़्यादा बेटर होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन से शेप्स ज़्यादा प्रेफरेबल होने चाहिए, फिर हम देखेंगे कि कैसे या कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए जब हम एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस को डिस्पेंस कर रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो, जो कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस के डिज़ाइंस और मार्किंग पे है, नहीं देखी है, तो लिंक हमने आई बटन पे प्रोवाइड कर दी है, जो कि आपके राइट हैंड अपर कॉर्नर पे दिखेगा। ज़रूर देखिएगा उसे, ताकि आपकी प्रोग्रेसिव लेंस की डिज़ाइंस और मार्किंग पे भी आपका व्यू हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस या नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आए, आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, वो है फ्रेम सिलेक्शन। अब फ्रेम सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है जब आप एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस दे रहे हैं? हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस में डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर, ये तीनों चीज़ें होती है। इसे हम प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस कहते हैं। फ्रेम सिलेक्शन के टाइम पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या पॉइंट्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है फ्रेम का शेप। हमेशा ध्यान रखिए कि एक प्रॉपर शेप ऐसा ले ताकि आपकी नेज़ल एरिया में, जहाँ पे आपका रीडिंग आता है जनरली इनसेट की वजह से, वो कट ऑफ ना हो। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे कि यहाँ पे दो आपके अलग अलग शेप्स रखे गए हैं। एक शेप है जो ऊपर, जो कि ज़्यादातर एक रेक्टेंगल या फिर ओवल शेप जैसा दिखेगा, और दूसरा है नीचे एक एविएटर शेप। अब ये एविएटर शेप जो है, एविएटर शेप इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ कुछ एविएटर्स में जो नेज़ल एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, जहाँ पर हमारा रीडिंग आएगा। अगर हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव की बात करें, तो इस एरिया पे हमारा डिस्टेंस आता है और यहाँ पे आपका जनरली नियर आएगा। सो नियर का जो एरिया है, इस फ्रेम की शेप के वजह से कट ऑफ हो सकता है। और इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए फिटर्स क्या करेंगे कि आपके लेंस को थोड़ा आउट में फिट करेंगे, जिसकी वजह से रीडिंग यहाँ पर तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये होगा आपका डिस्टेंस का पोर्शन भी आउट ऑफ सेंटर चले जाता है, जहाँ पर कि पेशेंट को ज़्यादातर ब्लरी विजन्स आने लगते हैं। वहीं पे अगर हम इस शेप की बात करें, यहाँ पे मुझे कुछ भी चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्पल स्पेस, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस है ताकि मैं अपने रीडिंग को और डिस्टेंस को प्रॉपरली प्लेस कर सकूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेम का शेप सिलेक्ट करते समय ऐसा शेप ना दें जहाँ पर कि आपका रीडिंग या कोई पर्टिकुलर पोर्शन कट ऑफ हो। हमेशा जितना बेटर आपका शेप रहेगा ऑल अराउंड, उतना बेटर आपके प्रोडक्ट प्रोग्रेसिव की अडाप्टेशन होगी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, फ्रेम की डेप्थ। अब डेप्थ का मतलब क्या होता है? फ्रेम डेप्थ का मतलब ये है कि जहाँ पर आप पीडी मार्किंग करते हो, मतलब जहाँ पर आपके पेशेंट का डिस्टेंस का सेंटर आएगा, वहाँ से आपके लोअर रिम तक कितना डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं फ्रेम डेप्थ। अब फ्रेम डेप्थ क्यों ज़रूरी है? अगर आपने बहुत छोटा फ्रेम डेप्थ लिया, जैसे कि यहाँ पे 15 मिलीमीटर है, तो आपका जो कॉरिडोर है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो रीडिंग है वो भी बहुत नज़दीक आ जाएगा, जिस वजह से पेशेंट का अनवांटेड एस्टिगमेटिज्म या अनवांटेड पावर, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होगा, जिसमें कि पेशेंट को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टिल्टिंग या फिर स्विम इफेक्ट दिखेगा। पर यदि हमारा जो फ्रेम डेप्थ है वो 24 मिलीमीटर हो, तो हमारे पास इनफ जगह है जहाँ पर कि हम एक आराम से प्रॉपर कॉरिडोर फिट कर सकते हैं और यहाँ पर मेरा रीडिंग भी इजीली आ जाएगा। तो एक प्रॉपर फ्रेम जिसका डेप्थ समवर्ट अराउंड 24 mm तक हो, इज़ वेरी आइडियल, यानी वो हमारे फ्रेम के लिए बहुत ही, आपके प्रोग्रेसिव के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेम होता है। रूल ऑफ थम तो ये कहता है कि अगर आपको एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव किसी भी लेंस में फिट करना है, तो आपके सेंटर से अबव तक 10 mm और नीचे की तरफ कम से कम 20 से 22 mm होना ही चाहिए, ताकि आपके पूरे एरिया में जो है ऊपर का 10 mm आप इजीली डिस्टेंस रख पाए, यहाँ से अराउंड 50-60% आपका कॉरिडोर हो और इस एरिया में आपका नियर आ जाएगा।
बट उसी जगह अगर मैं एक 15 मिलीमीटर का डेप्थ लेता हूँ तो यहाँ पर जो एरिया है मेरे कॉरिडोर के लिए बहुत ही छोटा हो जाएगा। और अगर ये एक रेगुलर प्रोग्रेसिव रहा जिसकी कॉरिडोर हाइट 18 mm से ज़्यादा हो तो मेरा नियर का जो पोर्शन है वो भी थोड़ा कट ऑफ हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेम डेप्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा लेना बेहतर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट एटलीस्ट इतना कि जिसमें आपका कॉरिडोर और आपका रीडिंग प्रॉपरली फिट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेम साइज़। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फ्रेम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। अब ऐसा क्यों? अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि था आपके प्रोग्रेसिव के डिज़ाइंस के ऊपर, वहाँ हमने समझाया था कि आपका ब्लेंडिंग जोन क्या होता है जहाँ पर आपका अनवांटेड पावर है। तो आइडिया ये है कि मेरा लेंस इतना बड़ा रहेगा तो उसमें जो ब्लेंडिंग जोन की वजह से अनवांटेड पावर आएगा वो यहाँ से पेरीफेरी की तरफ होगा। तो अगर मैं एक बहुत बड़ा फ्रेम लेता हूँ तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब भी मेरा पेशेंट इस कॉर्नर से देखेगा तो जितना ज़्यादा एज पे वो जाएगा उतना ज़्यादा उसका एस्टिगमेटिज्म हाई होगा या फिर उसका जो अनवांटेड पावर है वो ज़्यादा रहेगा जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा वेवीनेस दिखेगी। पर अगर मैं एक ऑप्टिमम साइज़ का फ्रेम लेता हूँ जो कि प्रॉपरली पेशेंट की आई को कवर कर रहा है और फिटिंग भी प्रॉपर हुआ है, उसमें क्या होगा, जो एक्सेसिव पावर है, जो बहुत ही स्ट्रांग पावर है पेरीफेरी में, वो कट ऑफ हो जाता है और जो आपके अनवांटेड पावर फ्रेम में है वो बहुत ही स्मूथ होते हैं जिसके वजह से पेशेंट इजीली अडाप्ट हो जाता है। तो कभी भी फ्रेम सिलेक्ट करते समय बहुत बड़ा ओवरसाइज्ड फ्रेम जनरली प्रोग्रेसिव में अवॉइड करें। फ्रेम ऐसा दें कि जो प्रॉपरली कवर हो सके, जिसकी डेप्थ प्रॉपर हो, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम फ्रेम देते समय मेटल का दें या प्लास्टिक दें। आइडियली तो फ्रेम के इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है अगर आपके प्रॉपर मार्किंग्स एंड ऑल प्रॉपर है तो प्लास्टिक हो या मेटल हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। बट अगर आपको डाउट है कि आपके मेजरमेंट्स में कभी कभार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का रिक्वायर्ड है, स्पेशली अगर सेंटर ऊपर या नीचे होने के चांसेस हैं, तो मेटल हमेशा ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि यहाँ पर नोज पैड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ओपन या क्लोज, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक या दूर ले करके इस फ्रेम का जो पोजीशन है नोज़ पे नीचे या ऊपर ले सकते हैं। पर ये सेम चीज़ प्लास्टिक में हम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है क्योंकि प्लास्टिक में हमारा जो ब्रिज होता है ये एक आपका प्लास्टिक ब्रिज है जो कि फिक्स ब्रिज हम बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। तो इसमें बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि अगर आपको आपके सेंटर को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना है विद दी हेल्प ऑफ फ्रेम एडजस्टमेंट तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। हालांकि ये सेम चीज़ एक मेटल फ्रेम में ईजी होती है बिकॉज वहाँ पर नोज पैड्स अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने पिछले प्रोसेस के हिसाब से हमारा फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। फ्रेम सिलेक्ट होने के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेम की एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से हमारा मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सैम्पल फ्रेम है जो कि प्रॉपरली अलाइन नहीं है बट पेशेंट को पसंद आ गया है तो हमें डायरेक्टली उस पर मार्किंग नहीं लेनी होती है। हमें पहले तो उस फ्रेम को प्रॉपरली अलाइन करनी है जैसे वो पेशेंट नॉर्मली यूज़ करेगा। तो सबसे पहले आपको जो करना है उस फ्रेम को प्रॉपरली अलाइन करना है सो दैट वो पेशेंट की फेस पे प्रॉपरली फिट होके बैठ सके। उसका आपको स्प्ले एंगल, आपको उसका पेंटोस्कोपिक टिल्ट, फ्रेम का थ्री पॉइंट टच सब चेक करके प्रॉपरली अलाइंड होने के बाद पेशेंट के फेस पे रख के देखना है कि पेशेंट को वो फ्रेम प्रॉपरली फिट और प्रॉपरली कंफर्टेबल है या नहीं। अगर वो प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है तो वो फ्रेम ना देना बेहतर होगा। हमेशा ध्यान रखें एडजस्टमेंट जो है फ्रेम में लेंस फिट करने से पहले करें। एडजस्टमेंट अगर आप फ्रेम में फिट होने के बाद लेंसेज को करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि मिसअलाइनमेंट हो सकता है या फिर पेशेंट को प्रॉपरली अडाप्ट ना हो। तो हमेशा ध्यान रखें फ्रेम सिलेक्शन होने के बाद उस फ्रेम को प्रॉपरली अलाइन कर लें मार्किंग लेने से पहले, क्योंकि अभी हमें जो है कुछ मार्किंग्स उस पर लेनी होती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हम प्रोग्रेसिव्स प्रेस्क्राइब करते हैं वो है पेंटोस्कोपिक टिल्ट। अब ये पेंटोस्कोपिक टिल्ट होता क्या है, इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, आई बटन यहाँ पर आपके एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं।
पेंटोस्कोपिक टिल्ट बेसिकली आपके टेम्पल और आपके फ्रेम फ्रंट के बीच में एक एंगल होता है, इस ठीक इस जगह पे। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेंटोस्कोपिक टिल्ट। सो बेसिकली आपका फ्रेम फ्रंट जितना अंदर की तरफ आ रहा है 5 डिग्री, 10 डिग्री या जो भी डिग्री आपके है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं पेंटोस्कोपिक टिल्ट। अब ये पेंटोस्कोपिक टिल्ट क्यों ज़रूरी है? अगर मैं इस लेंस को स्ट्रेट रखता हूँ विदाउट एनी पेंटोस्कोपिक टिल्ट, तो जब भी मैं रीड करूँगा हाई चांसेस है कि मेरा जो नियर का फील्ड ऑफ व्यू है वो कम होगा, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ देखते हैं हमारी आई बॉल नीचे की तरफ आती है, और अगर मेरा फ्रेम या फिर लेंस स्ट्रेट रहे तो यहाँ नीचे से नज़र जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट यदि अगर मैं इस पर्टिकुलर लेंस को टिल्ट कर दूँ, एक पेंटोस्कोपिक टिल्ट दे दूँ 5 या 10 डिग्री का, तो ये टिल्ट होने की वजह से क्या होगा, जब मैं नियर में देखूंगा तो मेरी जो विजन है वो प्रॉपरली इस लेंस के थ्रू ही जाएगी, जो कि मेरे फील्ड ऑफ व्यू को नियर के लिए बढ़ा देगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रोग्रेसिव लेंसेज में आपको पेंटोस्कोपिक टिल्ट जो है वो ऑलवेज हेल्प करेगा नियर के फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है मोनोक्युलर पीडी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके प्रोग्रेसिव डिस्पेंसिंग में। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसी के ऊपर आपके फ्रेम की या फिर लेंस की जो है फिटिंग होगी। बिकॉज आप जो ये पॉइंट मार्किंग करते हो, आपका फिटर या फिर जो फिटिंग आपके टेक्नीशियंस हैं वो उसी पॉइंट मार्किंग के बेस्ड पे उस लेंस को रखकर फिटिंग करेंगे। क्योंकि जो लेंसेज डिज़ाइन होते हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं कि एक ऑटोमेटेड पैटर्न है। जैसे कि अगर मेरा डिस्टेंस का सेंटर यहाँ पे है, तो इससे ठीक 1 या 2 मिलीमीटर अंदर की तरफ मेरा नियर का सेंटर होगा। तो अगर मैंने ये मार्किंग प्रॉपरली नहीं ली तो मेरा नियर का एरिया भी जो है बहुत ज़्यादा अंदर या बहुत बाहर हो सकता है, और मेरे पेशेंट को जो है प्रॉब्लम होगी नियर के विजन में देखने में। तो पीडी मार्किंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब पीडी मार्किंग हम कैसे ले सकते हैं? सिंपल है, इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, जो कि हम जल्द ही एक और वीडियो स्पेशली मोनोक्युलर पीडी के ऊपर बनाएंगे एंड आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 मेथड है, एक तो है विद द हेल्प ऑफ मार्कर, और जो हम मैन्युअली करते हैं, और दूसरा है आपका विद द हेल्प ऑफ डिजिटल। सो एक है कि आप स्केल रखकर इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप चेक कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस है। सो जनरली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कितना डिस्टेंस है, और उसको अगर हम लोग हाफ में डिवाइड कर लें वो आपको आपका मोनोक्युलर पीडी दे देगा। बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका राइट और लेफ्ट सेम हो। राइट और लेफ्ट के मोनोक्युलर पीडी की वैल्यू कभी कभार अलग होती है, बिकॉज हमारा जो फेस है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ना होके बहुत 19-20 का फ़र्क भी हो सकता है, कि शायद एक आई जो है वो 32 हो और एक आई जो है वो 31 हो। जनरली 1 से 2 मिलीमीटर का ही डिफरेंस आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। दूसरा आसान तरीका ये है, जो हम बोलते हैं डिजिटल पीडी मीटर। बेसिकली ये ऑटोमेटेड पीडी मीटर होता है। यहाँ पर आपका ये जो नॉब दिया हुआ है, इस नॉब पर अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हुई होती है। अलग वैल्यूज़ का मतलब है बेसिकली डिस्टेंस का फिक्सेशन, कि अगर पेशेंट डिस्टेंस पे देख रहा है, या नियर का फिक्सेशन या फिर इंटरमीडिएट का। तो अलग अलग डिस्टेंस पे हम पेशेंट का जो पीडी है वो चेक कर सकते हैं। ये जो दोनों नॉब है ये मूवेबल है। बेसिकली क्या होता है, आप जब इस मशीन के अंदर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर एक एक लाइन दिखेंगी, और पेशेंट के आई के ऊपर आपको ऐसा एक लाइट का रिफ्लेक्स दिखेगा। आपको करना ये होता है, आपको उस लाइन को इस लाइट के रिफ्लेक्स पर मैच करना होता है, और जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखा देगी कि ये राइट का पीडी है, ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट का पीडी है और ये लेफ्ट का पीडी है, और आपका टोटल पीडी आईपीडी जो है वो टोटल यहाँ पर लिखा हुआ होगा। सो आईपीडी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब भी आप प्रोग्रेसिव डिस्पेंसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपका फ्रेम पर जो मार्किंग लेना है। अब ये मार्किंग कैसे करना है, कि आपको पेशेंट के सेम हाइट पे बैठना होता है, और पेशेंट की ये आई जो है, नाउ दिस इज़ राइट आई, पेशेंट की राइट आई को आपकी लेफ्ट आई पे देखने के लिए बोलिए। एंड जब वो पेशेंट स्ट्रेट देख रहा है, आपको आपके मार्कर से उसके प्यूपिल के सेंटर पर मार्क करना है। आप एक टॉर्च की मदद ले सकते हैं ताकि आपको कॉर्निया के ऊपर एक रिफ्लेक्शन से दिख जाए, और जहाँ पर वो रिफ्लेक्शन होगी आपको मार्कर से वो मार्क करनी है। वो जो एरिया है बेसिकली वो आपका लेंस मार्किंग होगा। अब यहाँ पे हम करते कैसे हैं, कि मान लीजिए ये पेशेंट जो है वो मेरी आंखों पे देख रहा है और मैंने एक टॉर्च शाइन किया है। तो जो टॉर्च है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ करना है और एक वर्टिकल लाइन। बेसिकली ये जो हो गया मेरा
ये रेफरेंस पॉइंट हो गया जहाँ इसके हिसाब से मेरा फिटिंग होगा। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। एक बार हमारा मार्किंग जो है वो हो जाने के बाद हम उस मार्किंग को हमारे कटआउट पर रख के देखेंगे। हर एक कंपनी का कटआउट अलग अलग होता है। अब ये कटआउट पर रखने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हमारे मार्किंग के हिसाब से, लेट्स से कि मेरा मार्किंग यहाँ पर है, ठीक है। सो अगर मेरा मार्किंग यहाँ पर किया हुआ है तो मार्किंग के अकॉर्डिंग मेरा डिस्टेंस और नियर प्रॉपरली आ रहा है या नहीं, या फिर ये देखने के लिए कि मेरी मुझे जो हाइट चाहिए प्रोग्रेसिव की। अब हाइट का मतलब ये होता है कि आपको इस पॉइंट से रीडिंग कितना नीचे चाहिए, आपको रीडिंग इतने एरिया पे पूरल चाहिए या फिर और नीचे की तरफ। ये होता है बेसिकली कॉरिडोर लेंथ। आप कॉरिडोर लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा लेंगे उतना आपका इंटरमीडिएट का रेंज बढ़ जाता है, बट रीडिंग उतना ही नीचे चले जाता है। तो नॉर्मली ये देखने के लिए कि हमें आपका सेगमेंट और बेसिकली आपका नियर का एरिया किस पॉइंट पे चाहिए या फिर कॉरिडोर कितना रखना है, उस पर ये कटआउट हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये देखने के लिए कि हमें जो फ्रेम का, सॉरी, लेंस का डायामीटर कितना ऑर्डर करना है, कौन सा मिनिमम डायामीटर है जो इस लेंस में फिट हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं इस फ्रेम में यहाँ पे लिखा है 65-70, तो अगर मैं एक 65-70 का डाया लेंस का बनाता हूँ तो वो लेंस इसमें प्रॉपरली फिट हो जाएगा। वहीं पर हम इस एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। ये जो फ्रेम सिलेक्शन है, ये फ्रेम सिलेक्शन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेशेंट का सेंटर मार्किंग एक तो आया है यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा इन है। सो या तो ये फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा है फ्रेम के हिसाब से, या फिर इसका जो पेशेंट का फेस है बहुत ही पतला है। सो लेट्स से कि पेशेंट का यहाँ पर डिस्टेंस का मार्किंग आया है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे नियर का एरिया बहुत ही इन जा रहा है, प्लस कुछ एरिया कट ऑफ भी हो रहा है। तो ये जो फ्रेम है ये हमारा प्रोग्रेसिव के लिए या फिर एज़ पर दी मार्किंग ये प्रोग्रेसिव के लिए प्रॉपर नहीं है। और आपको अगर देखेंगे ये डायामीटर जो है वो डायामीटर भी आउट ऑफ रेंज जा रहा है, मतलब इवन 80-85 का डायामीटर भी अगर हम बनाते हैं तो वो भी उसके बाहर जा रहा है। तो वेरिफिकेशन ऑन कटआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि हमारा लेंस प्रॉपरली इस पर फिट होगा या नहीं, आपके एरियाज जो है डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट कहाँ पे आने वाले हैं, और आपको डाया कौन सा बनाना है। अब हम बात करेंगे एजिंग और माउंटिंग की, मतलब अब हमने लेंस भी ऑर्डर कर दिया, सब कुछ कर दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे ये लेंसेज फिट होते हैं। तो जैसे ही आप एक फ्रेम आपके डिस्पेंसर को या आपके टेक्नीशियन को देते हो ऑटोमेटिक में फिटिंग करने के लिए, ये एक ऑटोमेटेड मशीन है जहाँ पर कि फ्रेम की पूरी मेजरमेंट्स ले ली जाती है और लेंस को डायरेक्टली डायमंड व्हील से कट ऑफ किया जाता है। अब ये लेंस कट ऑफ होकर डायरेक्टली ग्रूव भी हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ग्रूविंग मशीन है जो कि इस लेंस को सेम टाइम पर ग्रूव भी कर रही है। यहाँ पर एक बेवल ग्रूव बनाया जा रहा है क्योंकि एक फुल फ्रेम है। फिर प्लास्टिक लेंसेज के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है और फाइनली मेजरमेंट्स को एक और बार चेक करके क्वालिटी चेक में देख लिया जाता है। अब हो जाने के बाद ये लेंसेज जो है वो आपको रिटर्न आपके शॉप पर या फिर आपके क्लिनिक पर कंपनी के हिसाब से भेज दिया जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप डिलीवरी करें, जब आप पेशेंट को फाइनली डिलीवर कर रहे हैं आपके लेंसेज, तो मार्किंग कभी भी डायरेक्टली इरेज ना करें। बहुत बार हमने ये देखा है कि जो लेंसेज हैं वो डायरेक्टली हम पूरा रब ऑफ करके डायरेक्टली पेशेंट को देते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये जो मार्किंग्स है ये हमें बताते हैं कि आपके डिस्टेंस एरिया और नियर एरिया कहाँ पर है, और ये प्रॉपरली आपके एक्चुअल पीडी पे मैच हो रहा है या नहीं है। बहुत बार ये मार्किंग मिटा देने के बाद डिफ़िकल्ट होता है रीमार्क करना। हालांकि यहाँ पे जो इनविजिबल आपके एचिंग्स हैं उसके ऊपर रख के आप वापस से रीमार्क कर सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखिए कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप मार्किंग्स को डायरेक्टली रिमूव ना करें। पहले उन्हें पेशेंट की फेस पे रख के प्रॉपरली चेक कर लें कि आपके जो डिस्टेंस के सेंटर है, आपके रीडिंग एरियाज प्रॉपरली मैच हो रहे हैं या नहीं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर पेशेंट को कोई इशू है तो वो किस चीज़ की वजह से है, पीडी आपका रॉन्ग हुआ है या नियर का एरिया कट ऑफ हो गया है। इस हिसाब से हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है अगर हम ट्रबल शूट में आते हैं। तो एक बार डिलीवर करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि पेशेंट को कैसे हमें अडेप्टेशन के लिए देना है। कभी भी प्रोग्रेसिव पहनाने के बाद हमेशा ध्यान रखें, पहले हमें पेशेंट को पूछना है कि प्लीज़ डिस्टेंस में देखिए। कभी भी पेशेंट को ये मत बोलिए कि जहाँ पे आपको देखना है देखिए, इट इज़ अ रॉन्ग वे टू प्रेस्क्राइब।
अगर फर्स्ट टाइम वेयरर है, चश्मा पहनाने के बाद हमेशा उसे डिस्टेंस का कोई भी ऑब्जेक्ट या चार्ट दिखाएं और उसको पूछिए कि सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं या नहीं। एक बार पेशेंट डिस्टेंस की चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाए, तब उसको बताना है कि अब आप रीडिंग करके बताइए एंड सी इफ़ इट इज़ क्लियर और नॉट। अगर ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं, उसका मतलब होता है आपकी फिटिंग और आपका पावर प्रॉपर है। अब आपको ये भी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको पेरीफेरी से नहीं देखना है, मतलब कॉर्नर्स पे आँखों को ऐसे स्लांट करके नहीं देखना है, क्योंकि उसमें आपको स्विम सेंसेशन होगा। प्लस जब भी आप नीचे की तरफ, मतलब फ्लोर की तरफ देखें, तो हेड को थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट करें, ताकि आपके डिस्टेंस एरिया से ही आपकी विजन जाए और आपको कोई भी स्विम इफेक्ट ना हो। एक बार सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद फिर पेशेंट को समझा दें कि अडाप्टेशन में कभी कभार वक्त लगता है, और अगर कोई भी तकलीफ हो वो आपसे कभी भी आकर पूछ सकते हैं। इससे आपका पेशेंट प्रॉपरली अडाप्टेड और आपके सर्विस से सेटिस्फाइड रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगा समझने में कि कैसे प्रोग्रेसिव लेंसेज को डिस्पेंस किया जाता है, क्या क्या उनमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, कौन से पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें उस पर गौर करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड गुड बाय।